Hello students, welcome to Radian Physics classes by AASIF MUSHTAQ. जैसा कि हम लोग सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर तक के पूरा कवर कर ही चुके थे, पूरा सब हमने उसके फंक्शन पढ़ाई दिए थे, चार चार काम उसके पढ़े थे, वर्किंग पढ़ी थी हमने. अब ये लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, कि लॉजिक गेट क्या है. जो डिवाइसेस हैं, जितनी भी हम लोग जो ये पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इनका बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब इसी से बनी हैं. जो भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टीवी घर में इस्तेमाल हो रही है, लैपटॉप यूज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़ का जो बेसिक है वो लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है. तो हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना कि व्हाट इज लॉजिक गेट और किस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है, किस किस टाइप के इनपुट हम देते हैं और किस टाइप के इनसे आउटपुट मिलता है, ठीक है. तो हम लोगों को इसके ऊपर अब डिस्कस करना. तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिग्नल कि सिग्नल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके बारे में सबसे पहले बात करिए. अगर सिग्नल की बात करें हम, तो दो टाइप का सिग्नल होता है. एक सिग्नल होता है जिसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल. एनालॉग का मतलब होता है विच चेंजेस विद टाइम, यानी एक ऐसा सिग्नल, एक ऐसा वोल्टेज या एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू समय के हिसाब से बदले. जैसे जैसे समय बढ़े उसकी वैल्यू या तो बढ़े, जैसे समय घटे या वैल्यू घटे, मतलब टाइम के हिसाब से लगातार चेंज होना चाहिए, तो उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं. टाइम के हिसाब से लेकिन वेरी करे, हर एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के ऊपर उसकी वैल्यू अगर अलग हो रही है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सिग्नल हमने यहां पर बनाया, ये तो ये एक एनालॉग सिग्नल, यानी एनालॉग वोल्टेज बोल लो या एनालॉग करंट बोल लो, ठीक है. जैसे यहां पर इस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कुछ और है, इस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज कुछ और है, इस इंस्टेंट के ऊपर कुछ और, इस इंस्टेंट के ऊपर कुछ और, इस इंस्टेंट के ऊपर कुछ और. तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे ये है तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग, जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही है. तो ऐसे सिग्नल जिनकी वैल्यू लगातार बदलती है, टाइम के हिसाब से लगातार अगर चेंज होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एनालॉग वैल्यू या एनालॉग सिग्नल, ठीक है. एक दूसरे टाइप के सिग्नल होते हैं जिनको बोला जाता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से बदलते हैं. जैसे पहला वाला तो हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल जो समय के हिसाब से बदल रहा था, लेकिन दूसरा वाला जो ये सिग्नल है ये टाइम के हिसाब से बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा. अगर इसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से कांस्टेंट होती है तो फिर जो है इसको बोला जाएगा डिजिटल सिग्नल. लेकिन यहां पर जो वैल्यू चेंज होगी वो दो, बस दो वैल्यू होती है यहां पर, इसीलिए इस सिग्नल को एक नाम और दिया जाता है और ये नाम होता है बाइनरी सिग्नल, ठीक है. इसको हम बाइनरी सिग्नल नाम देते हैं, बाइनरी सिग्नल भी इसी को बोला जाएगा. तो अब अगर बाइनरी सिग्नल की हम बात करें तो ये क्या है. बाइनरी सिग्नल का मतलब जैसे हमने कोई भी सिग्नल दिया, इसकी वैल्यू एक बार ये है मान लीजिए मैक्सिमम, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होगी ये मिनिमम, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, फिर उसके बाद होगी इसकी वैल्यू मिनिमम, इस तरीके से. तो ऐसे सिग्नल्स को बोला जाता है बाइनरी सिग्नल्स, और जो लैंग्वेज जो इन बाइनरी सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है. तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, यानी 0101 इस टाइप का आउटपुट और इनपुट इसमें हमको मिलेगा, यानी दो ही यहां पर सिग्नल होंगे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो इसको बोला जाएगा बाइनरी सिग्नल. और अगर लगातार चेंज हो रहा है तो उसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये बेसिक बात होगी सिग्नल्स क्या होते हैं,
एनालॉग सिग्नल, एक पॉइंट हो गया विद चेंजेस विद टाइम एंड हैज मेनी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको तो बोला जाएगा एनालॉग सिग्नल. एंड डिजिटल सिग्नल मीन्स विच हैज ओनली टू वैल्यूज, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो उसको बोला जाएगा डिजिटल सिग्नल. ठीक है, यानी ये वाला जो सिग्नल है दिस हैज ओनली टू वैल्यूज. ठीक है, तो इसके पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं बस. तो ये हम लोगों ने बात कर ली सिग्नल. ठीक है, नोट कर लें आप लोग, सिग्नल का मतलब एनालॉग सिग्नल और एक हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल. एनालॉग सिग्नल का मतलब विद चेंजेस विद टाइम, इसमें कोई अलग सा एक्स्ट्रा हमको नोट्स नहीं बनाना है, यही है सब कुछ. तो जो टाइम के हिसाब से बदले बस उसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल, और जो टाइम के हिसाब से ना बदले उसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नल. ठीक है, कॉन्स्टेंट रहे, दो वैल्यूज होना चाहिए उसके पास, तो उसको डिजिटल सिग्नल बोला जाएगा या फिर इसी को बाइनरी सिग्नल बोला जाएगा. ठीक है, अब लॉजिक गेट्स अगर हमको पढ़ना है तो लॉजिक गेट्स आर बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल, यानी डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड होंगे. अब अगर हम इनकी जो है फंक्शनिंग हमको अगर पढ़नी है लॉजिक गेट्स की, तो पहले हमको इनका थोड़ा सा एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा कि किस टाइप का एलजेब्रा को ये फॉलो करते हैं. पहले थोड़ा एलजेब्रा को हमको जानना पड़ेगा. जो एलजेब्रा यहां पर फॉलो होता है इस एलजेब्रा को बोला जाता है बूलियन एलजेब्रा. ठीक है, ये एलजेब्रा जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो इस एलजेब्रा को फॉलो करते हैं, बूलियन एलजेब्रा. ठीक है, बूलियन एलजेब्रा में जैसे मान लीजिए एडिशन से देखते हैं क्या रूल्स है. मान लीजिए हमारे पास दो इनपुट हैं, एक है मैक्सिमा और एक है मिनिमा. यानी हमारे पास एक है मैक्सिमा जीरो और एक है मैक्सिमा वन और मिनिमा जीरो. ये है हमारे पास दो लैंग्वेज या दो सिग्नल. तो अगर हम कभी भी जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आंसर जीरो आएगा. एडिशन जीरो प्लस वन करेंगे तो आंसर वन आएगा, वन प्लस जीरो करेंगे तब भी आंसर वन आएगा, वन प्लस वन करेंगे तब भी आंसर वन आएगा. टू नहीं डाला क्योंकि दो अगर लेगा इसका मतलब बाइनरी लैंग्वेज के अलावा तो हमने इसमें एक और लैंग्वेज डाल दी, यानी टू और डाल दिया. तो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब या तो जीरो या तो वन. तो अगर वन में वन को जोड़ो तो वन ही आएगा. या ऐसे सोच लो कि वन के साथ कोई भी चीज अगर तुम जोड़ दोगे तो हमेशा आंसर वन ही आएगा. ये ए कुछ भी हो सकता है, यानी हम यहाँ जीरो भी जोड़ दें चाहे यहाँ पर वन जोड़ दें लेकिन आंसर हमेशा वन ही आएगा. ठीक है, तो वन प्लस ए हो, वन प्लस बी हो, इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो हमको हमेशा वन देंगे. तो ये तो होता है बेसिक एडिशन. अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो अगर हम जीरो का डॉट जीरो के साथ ले लें तो ये आंसर जीरो आएगा, जीरो का डॉट वन के साथ ले लें तब भी आंसर जीरो आएगा, वन का डॉट जीरो के साथ ले लें तब भी आंसर जीरो आएगा, वन का डॉट अगर वन के साथ ले लिया तो फिर आंसर वन आएगा. ठीक है, तो फिर आंसर वन आएगा. तो यहां पर ये रूल फॉलो हुआ, यानी वन का डॉट जीरो के साथ जीरो भी आ सकता है और वन का डॉट वन के साथ वन भी आ सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने सिग्नल लिया है. तो ये रूल होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉलो होगा. अब तीसरी चीज, यहां पर एक बार का रूल होता है. जैसे अगर हमने वन लिखा है, वन का बार अगर लगाया है तो इसका मतलब होता है जीरो, यानी जस्ट रिवर्स सिग्नल, जस्ट रिवर्स सिग्नल को ही बार से डिनोट किया जाता है. ऐसे ही हमने अगर जीरो का बार लगाया तो इसका मतलब वन हुआ, यानी जीरो का उल्टा वन हुआ, वन का उल्टा जीरो हुआ. ठीक है, और कहीं पर अगर मान लीजिए जीरो का डबल बार हमने लगाया तो इसका मतलब जीरो हुआ, यानी हमने बार को बार से कैंसिल कर दिया तो ये फिर वैल्यू जीरो आया. और अगर हमने मान लीजिए यहां पर वन का डबल बार लगाया तो इसका मतलब ये वैल्यू वन हो जाएगी.
ठीक है, तो डबल बार अगर लगे हैं इसका मतलब बार आपने कैंसिल कर दिया, और सिंगल बार लगा है अगर तो इसका मतलब जस्ट हमें अपोजिट वैल्यू देगा। ठीक है, एक चीज और होती है यहां पर जिसको बोला जाता है डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर इस चैप्टर के अंदर मतलब हमको रटना कुछ नहीं है, ये नहीं है कि हम रट्टा मारेंगे तब हमारी चीजें क्लियर हो पाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपको थोड़ा सा एलजेब्रा आता है तो आप कुछ भी इसमें तोड़ फाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आराम से। बस ये थोड़ा सा एलजेब्रा आना चाहिए, मानी भी बेसिक, एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बेसिक। तो इसके लिए अगर कहीं पर भी लिखा है, मान लीजिए ए हम जो है डॉट बी और इसका बार लगा हुआ है कंप्लीट बार, देन वी कैन डिसोसिएट दिस बार बट दिस डॉट साइन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन मींस प्लस साइन, देन दिस मे बी रिटन एज ए का बार प्लस बी का बार, इसको ऐसे लिखा जा सकता। और अगर कहीं पर लिखा है मान लीजिए ए प्लस बी का होल बार, देन इट मे बी रिटन एज ए का बार डॉट बी का बार, ये होती है डिमॉर्गन थ्योरम। यानी किसी भी जगह पर अगर कंप्लीट बार लगा हुआ है तो उस बार को तोड़ करके डॉट को हम प्लस में बदल सकते हैं, और प्लस अगर लगा हुआ है तो बार को तोड़ करके हम प्लस को डॉट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक एलजेब्रा, नोट करने आप लोग बेसिक एलजेब्रा। हो गया, चाय पीने गए थे जैसा कि आप जानते हैं चाय हम कितने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक बूलियन एलजेब्रा, आप इन्हीं का यूज करके हम लोगों को गेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेसिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक गेट्स। ठीक है, बेसिक गेट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब ये आप जानते हैं कि जो गेट का फॉर्मेशन होता है तो ये हम डायोड का इस्तेमाल करके या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एंड व्हाट अबाउट डायोड एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिस्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो अब यहां पर बेसिक गेट्स की अगर सबसे पहले बात करें हम, तो हमारे पास तीन टाइप के बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला बेसिक गेट होता है और गेट। ठीक है, और गेट बनाया कैसे जाता है, और गेट को बनाने के लिए इसका सिंबल सबसे पहले और गेट का सिंबल आपको आना चाहिए। सिंबल और गेट का होता है ये। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एक इनपुट, ये हो गया दूसरा इनपुट, और ये हो गया हमारा आउटपुट मींस वाई। तो ये तो होता है और गेट का सिंबल, मतलब जैसे प्रेस जो होती है प्रेस, जिससे प्रेस करी जाती है कपड़ों के ऊपर, तो उसी शेप का है और गेट मॉडल। बस इसमें हम दो इनपुट देंगे और एक हमको आउटपुट मिलेगा। अगली चीज आपको आना चाहिए इसका एक्सप्रेशन, के जो और गेट्स होते हैं इनका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो और गेट का एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स a और b। ठीक है, इसको बोला जाता है a और b, y इक्वल्स a और b, या a प्लस b बोलते हैं, बात एक ही है। तब यहां पर अगर एक्चुअल में रियलाइजेशन में अगर जाया जाए कि किस तरीके से ये गेट बनता होगा, तो इसमें दो डायोड लगाए जाते हैं, सिंपल डायोड।
जैसे हमने एक डायोड ये लगाया ये, और एक डायोड ये लगाया ये, तो ये हमारी एक इनपुट होगी और ये हमारी दूसरी इनपुट होगी, ठीक है। बस इन दो डायोड को यहां पर लगाया जाता है और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया और यहां पर एक रेजिस्टर लगा दिया और इधर कर दी मान लीजिए अर्थ, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन दे दिए जाते हैं और यहां पर हमको चाहिए आउटपुट, मान लीजिए इसके ऊपर हमको आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ती है जिससे हमको पता चलेगा कि किस टाइप की आउटपुट हमको मिलेगी, तो इस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। कैसे बनेगी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ वाई, वाई में ए और बी, यानी इसका मतलब हुआ ए प्लस बी, ये हो गया। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमने वाई की वैल्यू को, ए की वैल्यू को जीरो रखा, बी की वैल्यू को जीरो रखा, तो जीरो प्लस जीरो का मतलब जीरो आएगा, इसका मतलब हमको यहां पर आउटपुट नहीं मिल पाएगी, आउटपुट हमको जीरो मिलेगी, ठीक है। अभी हमने इसको भी ऑफ रखा है, इसको भी ऑफ रखा है, जैसे मान लीजिए हम ये कोई भी वोल्टेज अगर दें, तो हमने इसको लो वोल्टेज पर रखा और इसको भी लो वोल्टेज पर रखा है, तो उस केस में ये और ये वाले जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये दोनों हाई वोल्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो उस केस में यहां पर हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगी, तो इस केस में जीरो हो जाएगा ये। और अगर मान लीजिए हमने यहां पर जो है एक जीरो रखा और एक वन रखा, तो जीरो प्लस वन हमको वन देगा, यानी एक स्विच को हमने ऑन करा तो एक डायोड यहां पर कंडक्ट करेगा, एक वन रखा अगला जीरो रखा तब भी हमको वन मिलेगा, क्योंकि वन प्लस जीरो वन और जीरो प्लस वन भी वन। और अगर हमने एक वन रखा दूसरा वन रखा तब भी हमको वन मिलेगा, तो इन तीनों केसेस में हमको यहां पर वन मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही केस में हमको आउटपुट लो मिलती है और वो केस ये है, यानी जब दोनों ऑफ होंगे, और बाकी जब दोनों में कोई भी एक ऑन कर देंगे तो हमको यहां पर आउटपुट मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर जब हमने जीरो जीरो रखा तब भी जीरो आया, जीरो वन रखा तब वन आया, वन जीरो रखा तब भी वन आया, और वन प्लस वन रखा तब भी वन आया, तो तीन केस में हाई आउटपुट, एक केस में सिर्फ हमको मिली लो आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से ये जो है और गेट काम करता है। वैसे इसको हम सर्किट के हिसाब से दिखाना चाहेंगे तो सर्किट के हिसाब से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि कब बल्ब जलेगा कब बल्ब नहीं जलेगा, इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे एक तरफ हमने इनपुट दी और एक तरफ आउटपुट चेक कर रहे हैं, तो कब बल जला कब बल नहीं जला इसको इस तरीके से चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा और गेट, नोट कर लीजिए आप, बस इसमें मेन ये है और ये ट्रुथ टेबल है, ये आपको आना चाहिए। कभी कभी जो है एनालॉग सिग्नल का ग्राफ देकर, डिजिटल सिग्नल का ग्राफ देकर के भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग गेट इज दिस, तो उसमें भी आपको यही पहचानना है, एक इनपुट का दिया जाएगा एक आउटपुट का दिया जाएगा, यानी एक वाई का दिया जाएगा, तो हम देख करके पहचान लेंगे कि किस टाइप का ये गेट, ठीक है। जैसे इसी का हम अगर बनाए तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, देखिए जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एक बार ये जीरो ये जीरो, तो इसका मतलब यहां पर ये जीरो, यहां पर ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो एक वैल्यू तो होगी इन तीनों की जीरो, पहली वैल्यू जीरो होगी। अगली बार हमने एक को जीरो रखा है, यानी ए वाले को हमने रखा है जीरो, लेकिन बी वाले को रखा है वन, तो ये बी वाला है इसको हमने रखा है वन, तो इस तरीके से ये हो गया वन। तो
तो हमको यहां पर क्या मिला है, वन। तो यहां पर हमको क्या मिला, वन मिला। अगले बार में हमने इसको रखा है वन और इसको रखा है जीरो, यानी इस वाले को रख दिया है हमने वन और इस वाले को रख दिया है अब की बार जीरो, तो हमको क्या मिला है, यहां पर वन मिला। तो इस केस में हमको यहां पर क्या मिला है, वन मिला। ठीक है, ये वन मिल गया। ये अगली बार में हमने दोनों को ही रखा है वन, तो इसका मतलब इसको हमने रखा है वन, इसको भी हमने रखा है वन, तो इधर हमको मिला है वन। ठीक है, इस तरीके से हमको यहां पर आउटपुट मिल गई। तो इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। तो अगर इस तरीके से बना करके दिया है तब भी आपको यही देखना है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू भी जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू मतलब जीरो है, तो फिर यहां पर वैल्यू वन आ रही है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, तो फिर ये भी बनाना। बस ऐसे ही उठाइए और ट्रुथ टेबल के ऊपर चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको किस टाइप का गेट है। ठीक है, तो कभी ये टेबल बनाकर का आपसे पूछा जाएगा, कभी आपको जो है ये दे करके पूछा जाएगा, कभी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप चेक कर सकते। तो ये हो गया और ठीक है, बना लिया हम लोग। ठीक हो गया, बस ये होता है हमारा और गेट। और कभी भी रियल गेट दिया हो तो रियल गेट इस तरीके से बनाया जाएगा। बस ये जो है एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये अर्थिंग है, और यहाँ पर हमको जो है आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट है, यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगी। और ये जो है ये वाला जो गेट हमको दिया गया है, ये एक्चुअल गेट है और गेट, और ये ट्रुथ गेट। ठीक है, अब जरा अगले गेट की बात करते हैं, दूसरा बेसिक गेट। और दूसरा बेसिक गेट है हमारा एंड गेट। ठीक है, एंड गेट, एंड गेट भी इसी तरीके से होता है, बस इसमें यहां पर एंड में डी लगा होता है, डी, ये डी लग गया, तो ये बन गया हमारा एंड गेट। और एंड गेट में जो एक्सप्रेशन है वो यहां पर होता है ए डॉट डी। ठीक है, ए डॉट डी एक्सप्रेशन है इसका एंड गेट का। अब इसके अंदर जो है, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल तैयार करें तो ट्रुथ टेबल में देखिए हमको क्या मिलेगा। अगर हमने जीरो जीरो रखा तो जीरो डॉट जीरो क्या आना चाहिए, यहां पर जीरो आना चाहिए। ठीक बात है, अगर एक को जीरो रखा और एक को वन रख दिया तो जीरो डॉट वन भी अब की बार जीरो आना चाहिए। एक को वन रखा, एक को जीरो रख दिया तो वन डॉट जीरो भी यहां पर जीरो आना चाहिए। और अगर हमने इसको वन रख दिया, इसको वन रख दिया, तो फिर हमको वन मिल जाए। ठीक है, तब उस केस में हमको यहां पर वन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बस यही ध्यान रखना है
कि हमको आउटपुट तभी मिल पाएगी जब दोनों इनपुट हाई होंगे। अगर दोनों में से किसी भी इनपुट को हमने लो रखा तो फिर हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगी, ठीक है, तब फिर इधर केस में आउटपुट नहीं मिलेगा, बस इसमें यह ध्यान रखना है। और इसका अगर रियल गेट चेक किया जाए तो रियल गेट इसका ऐसे होगा, इस तरीके से कि हमारा एक जो है डायोड है, लेकिन इसमें डायोड को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, ये दूसरा है डायोड, यहां पर भी डायोड को इस तरीके से जोड़ा, ये वाला हमारा इनपुट मान लीजिए ए है और ये वाला इनपुट मान लीजिए हमारा बी, ठीक है, और ये दोनों इनपुट हो गए हमारे, और इधर मान लीजिए हमने एक तार लगाया, ये रजिस्टर कोई भी लगाया यहां पर, और यहां पर कोई भी प्लस वी नॉट वोल्टेज हमने रखा, और इधर हमने कर दी है ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ कर दी। तो इस तरीके का जो सर्किट बना, ये सर्किट हुआ हमारा जो है एंड गेट। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, जैसे अर्थिंग ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थिंग हमने यहां से हटा, तो इस तरीके से अब हम क्या होगा देखिए, यहां पर मान लीजिए हमको ये आउटपुट मिलेगा, ये हमने कोई वोल्टेज यहां पर दिया है, इसको VC नाम दे देते हैं, यहां पर हमको इसकी आउटपुट चाहिए, इस पॉइंट पर आउटपुट चाहिए, मान लीजिए अगर हमने कोई भी वोल्टेज दिया है, तो अब अगर हम यहां पर वोल्टेज इसके ऊपर इसके ऊपर दोनों का अगर हमने हाई, जैसे ये पहली कंडीशन है जीरो जीरो देखें, तो जीरो जीरो का मतलब यहां पर लो वोल्टेज, यहां पर लो वोल्टेज, और यहां पर इस टाइम पर है हाई वोल्टेज, ठीक है, तो उस केस में जब यहां पर हाई वोल्टेज होगा और यहां पर लो वोल्टेज होगा, ये ठीक है, यानी ये हमने दोनों लो रखे और यहां इस पॉइंट पर कोई हमने मान लिया प्लस पांच दिया, प्लस पांच वोल्ट इस वाले पॉइंट पर हमने दे रखा, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने दोनों पर जीरो जीरो ले रखा है, तो उस केस में ये प्लस पांच है, ये प्लस पांच है, और ये दोनों जीरो जीरो, इसका मतलब ये ओपन सर्किट वो मतलब तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी यहां से इन दोनों डायोड से करंट फ्लो करेगा, और अगर इन दोनों डायोड से करंट फ्लो करेगी तो ये शॉर्ट सर्किट वायर है, और अगर ये शॉर्ट सर्किट वायर हुए तो फिर जो वोल्टेज यहां का है वही वोल्टेज यहां का होगा, जो वोल्टेज यहां का है वही वोल्टेज यहां का होगा, ठीक है, तो उस केस में हमको यहां पर उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना इन पॉइंट्स के ऊपर यानी जीरो मिलेगा, ठीक है, अभी समझ लेते हैं इसको, पहले हम ये समझते हैं यहां पर ट्रुथ टेबल अगर दी गई है तो 0.0 यहां पर 0 आया, 0.10 आया, 1.00 आया और 1.1 भी यहां पर बना। अब अगर इसकी हम ग्राफ मान लीजिए आपको दिया जाए और उससे देख करके पूछा जाए कि किस तरीके से ये बनेगा, तो यहां पर देखिए 0.00 अगला है 0.1 यानी ये 0 रखा है और ये हमने बन दिया है, लेकिन इस बार हमको यहां पर हाई आउटपुट नहीं मिल पाएगी, यहां पर मिलेगी हमको 0 आउटपुट। अगली बार में हमने इसको रखा है 1, इसको रखा है 0, तो इस केस में ही हमको हाई आउटपुट नहीं मिल पाएगी, यानी यहां पर लो इन आउटपुट हमको मिल रही है तीनों केसेस में। लेकिन लास्ट केस में जब हमने इसको 1 रखा, यहां 1 रखा, तो भी हमको 1 मिलेगा, तो ये और गेट का जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, यहां पर सिर्फ दो जो आउटपुट है जब हाई है तभी हमको हाई आउटपुट मिल रही है, और बाकी हर केस में यहां पर हमको आंसर जीरो मिलता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, और ये इसका रियल गेट जो हमने ये बनाया है, ये इसका रियल गेट रियलाइजेशन है, ठीक है, और ये इसका बेसिक गेट है जो बना हुआ आपको दिया जाएगा, ये इसकी ट्रूथ टेबल है और ये इसका ग्राफिकल अप्रोच है, यानी ये डिजिटल सिग्नल के हिसाब से हमने इसको यहां पर दिखाया, ठीक है, तो पहले आप इसको बना लें, फिर हम लोग समझते हैं कि इसके ऊपर कैसी ये एंड गेट की तरीके से काम करेंगे, बनाएं जल्दी फटाफट।
हो गया। चलिए अब इसको समझा जाए कि इसके ऊपर किस तरीके से एंड गेट इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बिठा देना, अब अगर हम सबसे पहले जैसे इसको हमने एक बार पहली कंडीशन में लो लो रखा है दोनों, यानी ए को हमने जीरो रखा है और बी को भी हमने जीरो रखा है, और इस तरीके से ये हमारा जो है गेट है, और यहां पर भी इस तरीके से ये गेट लगा हुआ है, और यहां मान लीजिए हमने प्लस 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ये है, और इस पॉइंट पर यहां पर हमको आउटपुट चेक करनी है। तो अब ये प्लस 5 है तो इसका मतलब ये हाई वोल्टेज पर है और ये लो वोल्टेज पर है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ, फॉरवर्ड बाइस शॉर्ट सर्किट, ये भी फॉरवर्ड बाइस हुआ शॉर्ट सर्किट, डायोड फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम करता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अब अगर ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप जीरो, और जब वोल्टेज का ड्रॉप जीरो है तो यहां पर भी वोल्टेज उतना ही होगा जितना इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, जीरो वोल्ट, और अगर ये जीरो है तो ये जीरो हुआ, तो इसका मतलब जब ये दोनों जीरो हैं तो उस केस में ये भी जीरो है, पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन में हम इसमें से किसी भी एक को जीरो पे रख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक को रखा जीरो पे, ये हमने लिया एट, और बी को रखा मान लीजिए हमने वन, वन का मतलब ये प्लस 5 के ऊपर है, प्लस 5 के ऊपर, और ये गेट लगा हुआ है हमारा दूसरा, और इधर की तरफ लगा हुआ है ये, मान लीजिए यहां पर हमने रखा है प्लस 5, ठीक है, और यहां पर हमको देखना है आउटपुट, ठीक। अब अगर ये प्लस 5 पर है और ये प्लस 5 पर है तो ये तो सेम पोटेंशियल पर हो गए, हाई हाई ये दोनों, तो अगर ये दोनों हाई हाई हैं तो ये वाला तार तो बेकार है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, आउटपुट होगी नहीं, और ये वाला जो है, ये वाला प्लस 5 है, ये जीरो है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, यानी इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, ये तो बेकार हुआ, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये अगर जीरो है तो इस पॉइंट के ऊपर भी जीरो होना चाहिए, और अगर ये जीरो है तो फिर ये भी जीरो हो, यानी यहां भी आउटपुट हमको कितनी मिल रही है, जीरो। अब इसी का उल्टा अगर कर दीजिए आप, मान लीजिए इसको प्लस वन नहीं करते, जीरो कर दीजिए, इसको जीरो के बजाय प्लस वन कर दीजिए, तब भी इन कंडीशन होगी, तब भी हमको इधर जीरो मिलेगा, तब इस कंडीशन में हमको जीरो मिल जाए। लास्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें हम देखते हैं जरा क्या होता है, अगर उसके हिसाब से इसको देखा जाए तो ये हमारा है। अब इस कंडीशन में ये प्लस 5 है और ये भी प्लस 5 है क्योंकि दोनों हाई पर हमने रखे हैं, और ये वाला इस पॉइंट के ऊपर है प्लस 5, ठीक है। अब यहां पर ये तार है और यहां पर हमको चाहिए होगी आउटपुट, तो अब यहां ये प्लस 5 प्लस 5, ये भी प्लस 5 प्लस 5, तो इस केस में इनके अंदर तो कोई करंट जाएगी नहीं, और जब इनके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी तो इस पॉइंट का वोल्टेज उतना ही होगा जितना इसका होगा, यानी प्लस 5 यहां पर हमको मिलेगा, तो फिर इसका मतलब यहां पर आउटपुट हमको मिल रहा है प्लस 5 मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर हमको आउटपुट 1 मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, तो सिर्फ इसी कंडीशन में हमको आउटपुट मिलेगी, बाकी इन दोनों कंडीशन में आउटपुट नहीं मिल पाएगी। तो एक्चुअल जो रियलाइजेशन है इस गेट का वो यही है, कभी भी ये देख करके पूछा जा सकता है कि किस टाइप का ये गेट है, तो आप समझ लें कि अगर इस टाइप से डायोड को जोड़े जाएंगे तो ये हमेशा एंड गेट होगा, और अगर इनको घुमा करके सीधे तरीके से जोड़ा जाएगा तो फिर वो और गेट होगा, ठीक है, और अगर ऐसे जोड़ा जाएगा तो फिर वो एंड गेट होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, ठीक है, इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बना हुआ है ये हमारा एंड गेट। अब जरा तीसरे वाले गेट के बारे में बात करते हैं, बेसिक गेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा वाला गेट होता है नॉट गेट,
ठीक है, नॉट गेट, नॉट गेट जो होता है, नॉट गेट एक्चुअली उल्टा होता है एक बफर गेट, ठीक है। बफर गेट एक टाइप का होता है जो बहुत ही सिंपल टाइप का गेट होता है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये है बस, ये हमारा बफर गेट है। ये बिल्कुल उसी टाइप की आउटपुट देता है जिस टाइप की आप इसको इनपुट दोगे, ठीक है, उसी टाइप की तुमको आउटपुट मिलेगी। तो ये बफर गेट कहलाता है जिस टाइप की आप आउटपुट देंगे, जैसे यहां पर एक ही इनपुट होगी और एक तो आउटपुट है ही, जैसे और टाइप के जो सर्किट पड़े थे उसमें हमने दो दो इनपुट दिए थे आउटपुट लेकिन एक ही, लेकिन यहां पर हमारे पास इनपुट भी एक ही है और आउटपुट भी एक ही इस सर्किट के अंदर, और टाइप के जो सर्किट थे उन सर्किट के अंदर वी हैव यूज्ड डायोड, बट इन दिस सर्किट वी विल यूज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब यहां पर अगर इसको समझा जाए किस तरीके से, अगर हमने मान लीजिए ए और ये वाई रखा, देन इफ ए इज जीरो देन वाई विल ऑल्सो बी जीरो, एंड इफ ए इज वन देन वाई विल बी वन, दिस इज कॉल्ड बफर गेट, ये हमारा बफर गेट है। लेकिन अगर इसी बफर गेट को जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, यानी ये है इस तरीके से अगर इसको बना दिया जाए, तो ये होता है हमारा नॉट, ठीक है, ये नॉट गेट है जो जस्ट रिवर्स करता है सिग्नल को, ठीक है, ये ए है और ये वाई है, अगर इसकी ट्रुथ टेबल हम बनाएं तो ये ए हुआ और ये वाई, और वाई यहां पर होता है, वाई मीन्स ए नॉट, वाई इक्वल्स ए नॉट, यानी ये जस्ट रेसिप्रोकल करेगा सिग्नल को, जैसे अगर हमने यहां पर मान लीजिए जीरो दिया तो यहां हमको वन मिलेगा, और यहां हमने अगर वन दिया तो हमको यहां जीरो मिलेगा, इस टाइप का सर्किट होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल सा अगर हम एक सर्किट बनाएं और इस सर्किट के अंदर अगर एक स्विच लगा दें और एक एलईडी का इस्तेमाल कर दें, तो इसको बनाया जा सकता है, नॉट गेट को बनाया जा सकता है कि किस कंडीशन में बल्ब जो है वो जल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने एक बैटरी ले ली है और इधर एक एलईडी लगा दी, ठीक है, ये, और इनके बीच में यहां पर हमने मान लीजिए स्विच लगाया, तो जब हम इस स्विच को ऑन ऑफ रखेंगे तब तो ये बल्ब, ऑफ अगर रखा तब तो ये बल्ब जलेगा, यानी इस वाले स्विच को हमने ऑफ रखा तब ये बल्ब जलेगा, और अगर इस स्विच को ऑन कर दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी स्विच को ऑन कर दिया तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच को ऑफ रखा तो ये बल्ब जलेगा, उल्टा हो रहा। जनरली स्विच को ऑन करते हैं तब बल्ब जलता, ऑफ करते हैं तो नहीं जलता, लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है, पहले ऑफ रखा तो ऑफ करने की बेसिक करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन जब आप ऑन कर दोगे तो फिर यहां से करंट शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट से करंट इसी सर्किट में रह जाएगा, इस सर्किट में आएगा ही नहीं, तो इसीलिए इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ऑफ रखेंगे तो जलेगा, ऑन रखेंगे तो नहीं जलेगा, इस टाइप की कंडीशन आती है इस नॉट गेट में। तो बफर गेट और नॉट गेट में यही डिफरेंस है बस, नॉट गेट में हमको जस्ट वैसी टोकल आउटपुट मिलती है, लेकिन बफर गेट में सेम टाइप की आउटपुट मिलती है, ठीक है। अब इस नॉट गेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर। अब आप ट्रांजिस्टर जानते ही हैं किस टाइप से ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जैसे कोई भी हमने ट्रांजिस्टर ले लिया, ये पढ़े थे हम लोग ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर बताया था हमने कि जो है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा बेस हुआ, ये हमने एक इमिटर ले लिया, इमिटर ले लिया जिससे करंट बाहर की तरफ अगर आ रही है तो ये एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर, और करंट की अगर एंट्री हो रही है इसका मतलब वो पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। तो अब यहां से करंट जो है वो एग्जिट कर रही है और इस तरीके से ये आर्थिंग कर दी हमने मान लीजिए इधर, और ये हमारा कलेक्टर है और इस कलेक्टर के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जहां पर हमको आउटपुट लेना है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमको आउटपुट चाहिए,
यहां रजिस्टर लगा रखा है, ये आउटपुट वाला पॉइंट है हमारा ये। अब देखिए इस वाले सर्किट में कब करंट फ्लो करती है, जब यहां पर कोई वोल्टेज हो, जैसे हमने यहां पर प्लस 5 वोल्ट कर दिया तब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, और यहां पर एक वोल्टेज होना चाहिए तब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करती है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन इमिटर एनटीए टाइप का ट्रांजिस्टर हमने जोड़ा है, तो ये नॉट गेट का काम कर रहा है। अब एक बार हमने क्या किया, जैसे यहां पर ये इनपुट है, ये ए पॉइंट जो है वो हमारा इनपुट है, यहां हम इनपुट दे रहे हैं और यहां आउटपुट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में बस चेक करेंगे कि किस तरीके से हमको यहां पर आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने एक बार जीरो रखा, ए की वैल्यू जीरो रखी, मतलब लो पर रखा है, तो फिर हमको यहां आउटपुट मिलेगी, क्योंकि फिर तो करंट इस तरीके से चलेगी, और अगर हमने इसको हाई पर रख दिया तो फिर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो फिर इधर हम आउटपुट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये होता है रियल नॉट गेट, ये रियल नॉट गेट। बफर गेट में और रियल नॉट गेट में सिर्फ इतना ही फर्क है, रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया अगर हमने तो बफर गेट होगा, और ऊपर लगिए तो फिर ये जो है नॉट गेट। ठीक है, तो ये नॉट गेट होता है जो जस्ट वैसी फोकल करता है हमारे इनपुट, इसीलिए इस नॉट गेट को एक नाम और दिया जाता है, और ये नाम होता है इसका इन्वर्टर गेट। ठीक है, ये नाम है इसका इन्वर्टर, ये नाम इसको और दिया जाता है, बना लीजिए आप। ठीक है, हो गया, यही तीन टाइप के हमारे बेसिक गेट, और गेट एंड गेट एंड नॉट गेट।